नमस्ते, सत श्री अकाल और राम राम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप हेल्थी और हैप्पी होंगे और ऐसे ही रहिए हमेशा। तो आज तारीख और टाइम हो चुका है 6:30 के आसपास का, शाम का हुआ, संडे था। आज है मदर्स डे, तो मुझे लगा कि इनको मुझे लगा आज मुझे एक स्पेशल व्लॉग बनाना चाहिए। तो ये व्लॉग स्पेशल मेरी मम्मी के लिए है। आप सभी को हैप्पी मदर्स डे और मेरी मम्मी को भी हैप्पी मदर्स डे मम्मी। और मुझे लगा कि आज के व्लॉग में मैं ना अपनी और अपनी मम्मी को कुछ बातें शेयर करती हूँ। आज मम्मी ने ना हमें बहुत पीटा, बहुत ज़्यादा, और उनकी गलती नहीं, हम बच्चे ही ऐसे थे। और मैं तो खासकर ऐसी हूँ कि मैं तो पैदा होते ही मैं पिटने वाला काम किया था मैंने, क्योंकि मम्मी को डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल लेके जा रहे थे और मैंने और मम्मी हॉस्पिटल भी नहीं पहुँची थी कि मैं आऊँ। तो मैंने तो पैदा होते ही पिटने वाला काम किया। आप समझे कि हाँ हम क्यों पिटते थे, अगर वो बात हम पहले ही समझ जाते तो पिटना नहीं पड़ता। पहले हमारा इतना कनेक्टेड रिश्ता नहीं था और इससे आस पास के लोगों ने बहुत मैंने से सफा रहा है। और तब मम्मी समझाती थी मार के भी, बातों से भी, तो आप समझ पाए हैं कि क्यों मम्मी वो चीज़ करती थी। आज तक तो शादी के बाद के रिश्ते में बहुत ज़्यादा मतलब अटैचमेंट हुआ है हमारा। मैं इस मीनिंग का मतलब समझ में पाई हूँ कि शादी के बाद अपने घर मायके को मायका क्यों कहा जाता है। और सच में अगर माँ ना हो तो मायका मायका नहीं हो तो पापा, शब्द का कितना मीनिंग है इस छोटे से शब्द का, मायके का, कि शादी के बाद कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है रिलेशनशिप एक माँ और बेटे का। कि मुझे अभी भी मेरे साथ होता है कि जब भी मैं घर जाती हूँ ना, तो चाहे मैं जाके सबसे पहले अपने पापा से मिलूँ, लेकिन ना सबसे पहले मेरी मम्मी मेरे को देख के खुश होती है, खड़ी हो जाती है और सबसे पहले पानी लेके आती है कि और फिर आशीर्वाद देती है मुझे। मतलब तो है तो ये छोटी सी हैबिट, लेकिन इसके पीछे ये देखो कि मतलब मैं आई हूँ ना तो सबसे पहले ये चिंता है कि हाँ मेरी बेटी प्यासी होगी तो मैं पहले पानी दे दूँ, फिर मैं इसके साथ बात करूँगी। और सच में बहुत बातें करते हैं हम, बहुत अच्छा रिश्ता है शादी के बाद अब हमारा। हम बहुत मैं बहुत अच्छी तरह समझ पाई हूँ खासकर अपनी माँ को शादी के बाद, क्योंकि मतलब ये सारी चीज़ें ना होती ही है लाइफ में। जो बहुतों के बहुत लड़कियां हैं जिनका शादी से पहले ही बहुत अच्छा अटैचमेंट होता है अपनी माँ का, लेकिन हमारा मेरा नहीं है, एग्जाम्पल नहीं था, मतलब होने नहीं दिया कुछ लोगों ने, मैं समझ नहीं पाई उनकी जगह। तो अब जब मैं समझी इस चीज़ को, तब मुझे यार बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अफसोस होता था, लेकिन मैं खुश भी हूँ कि अच्छा हुआ मुझे अब तो समझ में आया। लेकिन समझ में तो आया, मुझे भगवान ने इतना टाइम तो दिया कि मैं अपना और अपनी माँ का रिलेशनशिप अब समझ सकूँ और मुझसे जितना हो मैं इतना स्ट्रॉन्ग कर सकूँ। शादी के बाद ना अपनी मम्मी के डर से बहुत ज़्यादा पसंद आती है, खासकर साड़ियाँ, और मैं बहुत ज़्यादा पहनती हूँ उनकी, मेरे पास भी हैं लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरे है ना सारा दिन में मेरी मम्मी की साड़ियों पर ही अटका रहता है। बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी साड़ियाँ उनकी। और उनका खाना मुझे इतना याद आता है शादी के बाद, जब भी मैं कभी घर जाती हूँ तो हमेशा पूछती हैं कि क्या खाना क्या नहीं खाना। यार एक माँ ही होती है जो शादी के बाद मायके जाने के बाद है ना, मतलब माँ से ये कह पाते हैं, अपने पेरेंट्स से माँ से कह पाते हैं कि हाँ आज मेरा ये खाने का मन है, और वो मतलब हट भी देती हैं आपके सामने बना कर। और किसी से नहीं हो सकता यार ये चीज़ें, मुझे तो बहुत ही उनके जगह को मैं बहुत मिस करती हूँ। मुझे जब कुछ खाने का मन होता है मेरे मम्मी के हाथ की मटर पनीर की सब्ज़ी और भरवे करेले और आ
आलू की सब्ज़ी। और मैं शादी से पहले मैं बिल्कुल भी कढ़ी नहीं खाती थी, बिल्कुल भी नहीं खाती थी, लेकिन एक बार मेरी मम्मी ने इतनी अच्छी टेस्टी कढ़ी बनाई कि मैंने वो इतनी बार बार मांग के ख़त्म कर दी कि मम्मी को आज तुम्हें बोलना पड़ा कि अब ख़त्म हो गई, अब नहीं है। और इस टाइम पे है ना हमारी लड़ाई भी हो रखी थी, हमने हम बात भी नहीं करते थे। फिर भी यार एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों की इतनी टेंशन लेती है खाने पीने की हाल चाल की। और मतलब इतना अब इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग रिश्ता है हमारा कि कभी भी लाइफ में कुछ होना होता ना तो उन्हें पहले से ही पता चल जाता है कि हाँ कुछ अच्छा कुछ बुरा होने वाला है। मतलब इवन ये था कि मेरा एक बार एक्सीडेंट हो गया था तो मम्मी को पहले से ही फील हो गया था कि हाँ कुछ होने वाला था, ये नहीं पता था कि मेरा ऐसे एक्सीडेंट हो जाएगा। ये था कि एक बार जब मेरा ऑपरेशन होने वाला था ना तो मतलब ना मेरी मम्मी ही मेरे साथ खड़ी थी मेरे पीछे, तो मेरी मम्मी ही मेरी मुझे स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेरी मम्मी खड़ी है। तो आज के ब्लॉग में यही था कि यार मैंने कभी भी ना अपनी मम्मी को किसी चीज़ के लिए थैंक यू नहीं बोला, अपनी मम्मी को कभी मतलब ये फील नहीं करवाया कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। ये डे भी है तो अच्छा हमारे लिए नहीं है, उनके लिए अच्छा यार, हम तो वैसे अपनी बिजी लाइफ में भूल जाते हैं उनको, लेकिन ये जब हम हर एक चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं तो उनको क्यों नहीं सेलिब्रेट कर सकते। तो आज उनको दो तीन मैंने स्पेशल ब्लॉग बनाया अपनी माँ के लिए, और मैं आज के ब्लॉग में अपनी मम्मी को बहुत 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 थैंक यू कहना चाहूँगी कि थैंक यू मम्मी के मैंने इतना तुझे परेशान किया, एक तेरी बात नहीं मानती थी, तूने बात करके समझाया फिर मार के समझाया, लेकिन अब शादी के बाद मैं उस चीज़ को समझ पाई हूँ। तो अब भी तुम मेरे साथ ऐसे ही खड़ी हो, मेरे साथ हो, तो जो जितना भी तुमने मुझे दिया है ना मैं तो कभी दे ही नहीं सकती, तो उन सब चीज़ों के लिए थैंक्स। क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि मम्मी कुछ लेके आती थी और हम ये बोलते ना मम्मी ये चीज़ अच्छी लग रही है, चाहे वो पहनने की और उनकी बहुत सारी चीज़ें की हैं मम्मी ने। अभी मैं अपने बताती हूँ शादी के बाद जैसे मैं घर जा रहा करती थी तो मम्मी कुछ लेके आती थी दिखाती थी कि देखिए लेके आई हूँ, मैं बोलती तो मम्मी ये चीज़ तो अच्छी लग रही है ये अच्छी लग रही है, तो मतलब है ना मतलब खुद ही बोल देती थी कि हाँ ले तू ले ले, हम मना करते थे तो भी जो रस्ते हमें दे देती थी कि नहीं ये तू रख ये तू पकड़ ले। बहुत सारी चीज़ें अभी हैं मेरे पास जो मेरी माँ ने मुझे दी है, मेरी मम्मी ने मुझे खरीद के ला के दी है, ऐसे दी है कि तू इसे रख ले। बहुत यार इतनी कुछ खरीदी ना सबसे पहले यही सोचती कि चल मैं अपनी बेटी को दे दूँगी, उनके लिए करूँगी, जोड़ती हैं और जब बेटियाँ आती हैं तब उन पर खर्चा करती हैं, ये एक माँ ही कर सकती है। तो मैं याद के ब्लॉग में मैं अपनी मम्मी को हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलना चाहूँगी, ये हर चीज़ के लिए थैंक यू मम्मी, तुमने जितना किया है ना वो कोई और नहीं कर सकता। और मैं बहुत खुशी चाहे कोई कुछ भी कहता हो लेकिन मुझे पता है कि तुम मेरे लिए परफेक्ट माँ हो, तुमसे अच्छी मुझे नहीं मिल सकती और मुझे कोई और चाहिए भी नहीं, चाहे कोई भी ये बोले कि तुम्हारी मम्मी तेज नहीं है सीधी शादी है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ आपके जितना, इतना ना इतना चाहती, मैं बहुत जल्दी लोगों की बातों में आकर देखभाल कर लेती हूँ पापा की तरह, लेकिन मैं आपकी तरह बनना चाहूँगी क्योंकि मैंने देखा है कि आपको बातों में कोई भी नहीं सता सकता। आप कोई आपसे मीठा बोल के बात कर रहा है तो आप बड़ी अच्छी तरह समझ आते थे कि ये मेरा इसी बात का मतलब है इसलिए ये मेरे से मीठा बोल रहा है, ये चीज़ आज तक हम सीख नहीं पाए, ये चीज़ आपसे सीखनी है हमें। लेकिन हाँ लास्ट में ये बात तो ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर रही हूँ अपने पापा की तरह बनने की, आज भी अगर मैं कहीं से जाती हूँ ना तो मुझे रोक के यही बोला जाता है, एक तो संतोष की लड़की है ना, तो चाहे मैं कितने भी पापा की तरह बन जाऊँ लेकिन रहूँगी मेरी लेकिन रहूँगी तो मम्मी मैं तुम्हारी ही तरह, क्योंकि ये चीज़ मैं खुद नहीं कहती, ये लोग मुझे देख के बोलते हैं कि तू अपनी माँ जैसी है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं
तेरी जैसे बनने की होती कि माँ देखती है। मैंने उसकी माँ को देखा है बहुत सेक्रीफाइस करते हुए, बहुत परेशानियाँ झेलते हुए, तो आज वो सारी परेशानियाँ आपको खुशी के रूप में वापस मिले, तो यही मेरी प्रार्थना है। चाहे बात हो या ना हो, लेकिन जो फीलिंग्स होती है ना, वो अपने आप को सबको जाहिर कर देती है। और ऐसे ही अभी हमारे साथ ऐसे, चाहे मैं बात करूँ या ना करूँ, लेकिन हमेशा मेरी अंदर मेरे मन के अंदर हमेशा उनकी रिस्पेक्ट रहेगी। चाहे मैं उनसे बात करूँ या ना करूँ, मैं हमेशा यही चाहूँगी कि वो हमेशा खुश रहें, हमेशा हेल्थी और हैप्पी रहें। जितनी भी लेडीज जुड़ी हुई हैं मुझसे, उन सभी को हैप्पी 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 मदर्स डे। तो आप सब ऐसे ही खुश और हेल्थी और हैप्पी रहिए, यही दुआ रहेगी। तो मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप हेल्थी और हैप्पी रहिए। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मेरे वीडियोज़ को, और ऐसे ही अपना प्यार दीजिए। तो मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए।